हेलो एंड वेलकम दोस्तों मैं हूं रही और आप देख रहे हैं टेक्नो टेक्नोवीन तो अभी मैं जब वीडियो के साथ तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज का जो हमारा वीडियो स्नैपचैट की जो स्पॉट लाइट है उससे रिलेटेड होने वाला बेसिकली बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि वो स्नैपचैट पर जो भी स्पॉट लाइट डालते हैं या तो वो लाइव ही नहीं होती लाइव मतलब या तो वो अपलोड मतलब अपलोड तो हो जाती है लेकिन जो स्नैपचैट की स्पॉट लाइट फीड उसमें नहीं आती और अगर आ भी जाती है तो कुछ व्यूज़ आने के बाद वो फिर से नॉट सेलेक्ट हो जाती है एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्पॉट लाइट्स डाल रखी है यहाँ से मैं अभी इन पर देख सकते हैं अच्छे खासे व्यूज़ हैं एक पर वन टू थ्री है वन नाइन फाइव है तो मैं ये जो मेरा डॉग वाली मैंने एक स्पॉटलाइट डाली थी उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं स्नैप का स्टेटस दिखाता है कि लाइव है मतलब ये स्क्रोल में आएगी इसकी रीच बढ़ेगी या फिर नहीं बढ़ेगी तो नॉट सेलेक्टेड है मतलब इसको स्नैपचैट ने हटा दिया है स्पॉटलाइट से सिर्फ मेरे को ये दिखेगी तो इसके क्या रीज़न है कि ये क्यों हटा दी जाती है एक तो इसके मेनली दो रीज़न है स्नैपचैट की जो स्पॉटलाइट की कम्युनिटी गाइडलाइन है बेसिकली ज़्यादातर रील्स तो आपकी सॉरी स्पॉटलाइट तो तभी रिजेक्ट हो जाती है जब आप अपलोड करते हैं लेकिन कुछ में क्या होता है बहुत सारी स्पॉटलाइट एक साथ अपलोड होती है तो स्नैपचैट पहले उनको फिल्टर नहीं कर पाता कि किसको रखना है किस को नहीं तो इसलिए कुछ दिनों के बाद अगर आपकी स्पॉट लाइट है जो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही तो कुछ दिनों के बाद उसको लाइव से हटा दिया जाता है तो उनकी इस, स्पॉट लाइट की क्या कम्युनिटी गाइडलाइन है मैं आपको यहाँ से पढ़ के दिखा देता हूँ बहुत लंबी सी है मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दूंगा तो आपको अगर नेक्स्ट टाइम आप कोई भी स्पॉट लाइट बनाए तो आपको उसको फॉलो करना यहाँ से आप जाएंगे यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे आपको ऑप्शन मिलता है स्नैपचे स्नैप गाइडलाइन सिंपली इस पर टाइप करना तो यहाँ पर एक आर्टिकल खुलेगा आप इसको पोज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं या नहीं तो मोटा मोटी मैं बता देता हूँ तो पहले ये बोल रहे हैं बी क्रिएटिव तो आपको अच्छी से अच्छी स्पॉट लाइट डालनी है एक तो क्या होना चाहिए आपकी जो स्पॉट लाइट है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए वर्टिकल नहीं होनी चाहिए पूरी स्क्रीन वाली होनी चाहिए दूसरी क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पॉट लाइट स्नैपचैट का कैमरा है उसी से आपको कैप्चर करनी है जो आपकी गैलरी की वीडियो है उसको भी ये अपनी गाइडलाइन के खिलाफ मानते हैं उसको भी हटा सकते हैं कुछ कैसेज में और आपको अच्छे अच्छे जो आपके जो अगर आप सेम सेम स्पॉट लाइट को बार बार डाल रहे हैं तो भी ये आपकी स्पॉट लाइट को हटा देंगे अवॉइड कॉपी इसमें भी आप देख सकते हैं आप किसी की दूसरे की स्पॉट लाइट अगर अपलोड करेंगे अगर किसी अदर का यूज करेंगे सॉन्ग तो भी आपको आपको ये हटा देंगे सेफ पर आपको है कि आप कोई तंबा को गेमलिंग सट्टा इनका प्रमोशन नहीं कर सकते अगर इस बारे में आपकी आपकी है तो भी आपकी लाइट को हटा दिया जाएगा और इसमें एक और है डोंट बी मतलब आपको कुछ बे, बेचने की चीजें मतलब आप कुछ प्रमोशन कर रहे हैं कुछ सेल करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए टेक्निकल सब ये तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं वर्टिकल वीडियो होना चाहिए मैंने पहले ही बता दिया था और इसका एस्पेक्ट रेशियो थ्री फोर होना चाहिए और ओरिजिनल ये सब आप पढ़ सकते हैं और रिवॉर्ड तो अभी आपको मिलने वाला है नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आपका ये स्पोर्ट लाइट वायरल होती है तब आपको जाकर रिवॉर्ड मिलता है तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी स्पोर्ट लाइट बनाए तो आप आप इसको एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा आपको इन सब चीजों का ख्याल रखना है तभी जो आपकी स्पोर्ट लाइट है वो मतलब नॉट सेलेक्ट नहीं होगी तभी वो लाइव रह पाएगी तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को देना सब्सक्राइब थैंक यू